हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वी ऑल नो कि फ्लावर जो है वो प्लांट्स के बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है एंड दैट इज स्पेशलाइज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म्स में जो ऑर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज हैं दैट आर कॉल्ड एज द फ्लावर्स। और जो बर्ड्स होती हैं उनसे फ्लावर बनते हैं। जब वो एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं कि ओपनिंग ऑफ बर्ड्स, उसे हम बोलते हैं एंथेसिस। एंथेसिस होता है तो फ्लावर्स जो हैं वो बनते हैं। और अगर हम फ्लावर के पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बेस है, यहाँ पे बेस पार्ट है, ब्रॉड बेस, इसे कहा जाता है थैलेमस। एंड थैलेमस के ऊपर ही फ्लावर के बाकी के पार्ट्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं। अब इसमें अगर हम वर्ल्स की बात करें तो ये थैलेमस के बाहर के ऊपर सबसे जो बाहर की वर्ल है, मतलब सबसे बाहर वाली लेयर है, दैट आर कॉल्ड एज सेपल्स। मतलब सबसे बाहर वाला जो वर्ल होगा वो होगा सेपल्स का, जिनको हम लोग हरी पत्तियां भी कहते हैं। और उनके अंदर वाली लेयर जो है वो पूरी पेटल्स की होती है, जिनको हम पंखुड़ियां कहते हैं। एंड दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें हमें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं और ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है कि दे आर हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स और बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन। तो इसलिए ये बहुत ही सुंदर सुंदर पंखुड़ियाँ होती हैं, इसमें बहुत अच्छा सेंट होता है, तो ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, या अगर बर्ड पॉलिनेटिव फ्लावर है तो उसको अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन। और सेपल्स जो होती हैं ये फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और फिर उसके बाद अगर हम पेटल से अंदर की लेयर देखें तो यहाँ पर आपको ये येलो डॉटेड से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, एंथर और फिलामेंट, इनसे मिलकर जो स्ट्रक्चर बना है दैट आर कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो इसे हम लोग एंड्रोइशियम भी बोलते हैं। और इनसे अगर अंदर देखें तो ये जो हमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी दिखाई दे रही है, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट इज कॉल्ड अ कार्पल और पिस्टिल। या हम इसे फीमेल फ्लावर पार्ट जो है उसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं। और फ्लावर, क्योंकि हमने अभी बात की है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में होती है, तो यहाँ पर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मेल और फीमेल पार्ट वहाँ पर प्रेजेंट हो। तो दे आर द स्टेमन्स एंड द पिस्टिल या कार्पल। तो ये क्या हो गए, इसेंशियल ऑर्गन्स है विच आर हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। और जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं दे आर नॉन इसेंशियल पार्ट्स, वो नॉन इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये हर एक फ्लावर में एक तो होते नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये वो, और इनके बिना भी रिप्रोडक्शन हो सकती है, तो दे आर द नॉन इसेंशियल पार्ट्स। नाउ हमें अब ये फ्लावर जो होता है ये फ्लावरिंग प्लांट्स में यहाँ पर मतलब इसका फंक्शन रिप्रोडक्शन है। और जैसे हम लोअर प्लांट्स में स्टडी कर रहे थे वहां पर गेमीट्स जो है वो स्पोरोफाइट में बन रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, फ्लावर बन रहा है। फ्लावर मतलब स्पोर्स जो है वो गेमीटोफाइट डेवलप होता है उससे, और फिर उसके अंदर गेमीट जो है वो डेवलप होते हैं। तो स्पोर्स बनते हैं और फिर गेमीटोफाइट बनते हैं। तो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि इसके अंदर स्पोर्स कहाँ से बनते हैं और स्पोर्स से गेमीटोफाइट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेल गेमीटोफाइट कौन सा है, दैट इज द पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर नॉट द गेमीट्स, दे आर द गेमीटोफाइट। और वो थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि गेमीटोफाइट है, मतलब गेमीटोफाइट इतना ज्यादा रिड्यूस्ड है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और ऐसे ही अगर हम फीमेल गेमीटोफाइट की बात करें तो वो एम्ब्रियो सैक होती है विच इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल ऑफ द फ्लावर। हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर, हमने ओव्यूल्स के बारे में पढ़ा था इन प्लस वन क्लास। वी स्टडीड की ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, हमने उसकी प्लेसेंटेशन भी पढ़ी। अब इस साल हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होती है, दैट इज द फीमेल गेमीटोफाइट। तो मतलब ये बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टेमन विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और या हम उसे कहें माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल हमने अगर हम रिवाइव करें टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म्स, हम उन प्लांट्स में स्पोरोफिल किसे बोल रहे थे, जो स्पोर बियरिंग लीफ है, यानी कि ये लीफ मॉडिफाइड है फॉर बियरिंग द स्पोर स्पोरेंजियम, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल हम इसे बोल सकते हैं, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
अब इसमें यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट दैट सिंपल एज दैट इन द केस ऑफ अर्लियर प्लांट्स जैसे हमने टेरिडोफाइट्स वगैरह में स्टडी किया था। यहाँ पर इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज द फिलामेंट, आप यहाँ देख सकते हैं ये फिलामेंट उसको अटैच करने में हेल्प करता है। नीचे से ये अटैच्ड होता है थैलेमस से या फिर पेटल्स या सेपल के साथ, और दूसरा एंड जो है उसका डिस्टल एंड उसके ऊपर यहाँ पे एंथर होता है। एंथर क्या है, वो एक ब्रॉड मतलब चौड़ा स्ट्रक्चर है नॉब लाइक, ये फर्टाइल प्लांट है एक्चुअल में स्टेमन का, और इसके अंदर हमें दो लोब दिखाई देती है। हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट लोब एंड दिस इज द सेकेंड लोब, और दोनों लोब्स जो हैं उनके बाहर हमें ये ग्रूव दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ग्रूव दिखाई दे रहा है और आगे से ये हमें ग्रूव दिखाई देता है लेकिन पीछे से ये जुड़ा हुआ है। ऐसे नहीं है कि ये दो अलग अलग हिस्से हैं, ये जुड़ा हुआ है बाय पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो कि कनेक्टिव बना रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये ग्रूव है, यहाँ पर हमें ग्रूव दिखाई दे रहा है लेकिन बीच में पेरेन्काइमेटस टिश्यू है जो कि इसको अटैच कर रहा है, और हर एक जो इसका ग्रूव है मतलब ये हर एक जो इसमें लोब है, हमें जो दो लोब दिखाई दे रहे हैं उसमें दो दो पोलन सैक्स हैं। ये आपको यहाँ पर ये इस लोब में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दो पोलन सैक्स हैं, ऐसी इस लोब में भी ये दो पोलन सैक्स हैं। ये इन्हें हम पोलन सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। हमने अभी बात की है कि स्टेमन क्या है, दैट इज द माइक्रोस्पोरोफिल, तो उसके अंदर स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कौन से हैं, जो मेल गैमेट्स बना रहे हैं लेटर ऑन। नाउ हर एक एंथर जो हो गया उसका मतलब उसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो हम उसे कह सकते हैं इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, और ये पैरेलल जो है वो रन कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर ये पूरा एंथर था तो इस तरह से ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। और पोलन सैक्स जो होती हैं इनके अंदर मेल गेमिटोफाइट है जो कि पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन हमने अभी पढ़ा है कि दे आर द मेल गेमिटोफाइट एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द पोलन सैक्स। अब जो एंथर है उसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक्स हैं, लेकिन उसके बाहर जो कॉमन एपिडर्मिस है वो सारी की सारे एंथर में कॉमन है, दैट इज द कॉमन एपिडर्मिस ऑफ द एंथर। और जब डेवलपमेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की दैट इज हाइपोडर्मल, यानी कि अंदर वाली लेयर से डेवलप होता है नॉट फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर, और वो यूस्पोरेंजियट है यानी कि एक लाइन में सेल्स हैं जिनसे उसकी डेवलपमेंट होती है, और उन सेल्स को हम बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स। इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ सेल्स की लेयर थी तो ये इस तरह से डिवीजन हो गई इनसे जिससे कई लेयर्स बन गई। आउटर लेयर बनी पेराइटल सेल्स और अंदर बना स्पोरोजिनस टिश्यू। जो पेराइटल सेल्स हैं वो डिवाइड होके अलग अलग लेयर्स बनाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द एंडोथीसियम, फिर उसके बाद मिडल लेयर्स हैं, फिर टेप्टम है, तो इस तरह से अलग अलग लेयर्स किससे बनी है, दे आर डिवेलप फ्रॉम पेराइटल सेल्स, और अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जिससे लेटर ऑन पोलन ग्रेन्स वगैरह की डेवलपमेंट होती है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये होमोजिनस लेयर है मतलब यहाँ पर सारे सेल्स एक जैसे हैं, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हमें दिखाई देती। और अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो इसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज द एपिडर्मिस लेयर, और पहले भी हमने डिस्कस किया है ये सारे अंतर की कॉमन लेयर है। ऐसे नहीं है कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अराउंड अलग एपिडर्मिस होगी और दूसरे के अराउंड अलग होगी, दिस इज द कॉमन लेयर। उसके बाद है एंडोथीसियम, ये लेयर एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम है, और मिडल लेयर्स, ये हमें मिडल लेयर्स, यहाँ पे कई लेयर्स होती हैं, मिडल लेयर्स जो हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इन सब का फंक्शन क्या है, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये प्रोटेक्ट कर रही हैं इसको क्योंकि ये कवरिंग है। और एंडोथीसियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड से थोड़ा डार्क दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर फाइबरस थिकनिंग्स हैं, फाइबरस लेयर है इनर और रेडियल वॉल में, मतलब ये आउटर वॉल की कंपैरिजन में ये जो रेडियल वॉल्स हैं और इनर वॉल है ये थोड़ी थिक होती है, सो इसमें इस वजह से इसको फाइबरस लेयर बोलते हैं। फिर उसके बाद अंदर आती है ये टेप्टम। टेप्टम जो है इसके कई फंक्शंस हैं। टेप्टम जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, और ये लिपिड रिच ट्यूबिश ग्रेन्यूल्स बनाती है जिसमें स्पोरोपोलिनिन होता है जो कि एक्साइन बनाता है। पोलन ग्रेन के बाहर की लेयर होती है एक्साइन, जिसकी अलग अलग तरह की स्कल्पचरिंग भी होती है, और ये
वो बनाता है, उसके बनाने के लिए ये लिपिड रिच स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसे बोलते हैं उबिश ग्रेन्यूल्स, जिसमें स्पोरोपोलिनिन होता है। एंड ऑल्सो इट सिक्रीट्स इंजाइम, जैसे कैलेस इंजाइम है जो कि पोलन ग्रेन्स जब बनते हैं तो उनके बीच में कैलोज लेयर्स डेवलप हुई हुई होती हैं, तो उनको डिग्रेड करने में हेल्प करता है ताकि वो सेपरेट हो जाएं और फिर रिलीज हो सके। देन सेंट्रल जो होमोजेनस पोरोजेनस टिश्यू है ये सारे माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर करता है और इसमें सेल्स डिवाइड करते हैं जैसे जैसे एंथर ग्रो करता है और ये नंबर में भी इंक्रीज होते रहते हैं। लेटर ऑन दे चेंज इनटू माइक्रोस्पोर या पोलन मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर भी बोल देते हैं या पोलन मदर सेल्स बोलते हैं, और ये डिप्लॉयड होते हैं। बाद में इसमें मियोसिस होके इससे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, उनका प्रोसेस हम आगे स्टडी करेंगे। सो दिस वॉज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन विच इज द मेल दिस कह लो कि मेल पार्ट है जो फ्लावर का, और उसके अंदर हमने पढ़ा फिलामेंट है, एंथर है, एंथर इज द फर्टाइल पार्ट और उसके अंदर चार पोलन सैक्स होती हैं और हर एक के अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो फॉर्म होते हैं। तो उस माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर भी हमने स्टडी किया। अगले पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे कि पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। थैंक यू।